न्यूज के खास कार्यक्रम वोटर बोले में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। और आज वोटर बोले कार्यक्रम में हम नवादा लोकसभा क्षेत्र के लूटन बिघा गांव में है, ये पिपराचक लूटन बिघा गांव में हमें, और ये जो आप बस्ती देख रहे हैं ये पूरी तौर पे महादलित की बस्ती है। गरीब के मार दिए हैं नीतीश कुमार जी, कहा है बहुत मार दिए हैं, जो बाल बच्चा खा रहे उसको पेट लात मार दिए हैं, सब चीज ने मार दिए हैं। चौधरी ने दौरी बेचता है, तारी बेचता है, सौ जल देता है, क्या कह रहे हैं, तारी बेचता है तो उझल देता है, दौरी बेचता है तो मना करता है, तो चौधरी और लोग कौन चीज करके खाएगा बोलिए, पास लगे तो यही चीज ना खाना है। तो नीतीश जी इस बार कमल के फूल छापे हैं, इस बार आप लोग हिसाब सिखाइएगा उनको, क्या कहा हम सिखाएंगे, सिखाना है दारू बंद हो गया तो कितना आदमी अच्छा जनता अच्छा बढ़िया हो रहा, नहीं तो हम पीवो करता और फिर माग बैठी मारे करता, माग बैठी चलती दर उसके नहरा सब पर ये सब संपत्ति गुड जाता है, ने बहुत अच्छा काम किया, जीत गया जीत गया, पासी तो वही रोजगार है दारू तारी बेचना है। हाँ ठीक ठीक हाँ बोलिए, हाँ तो कहा पासी तो वही रोजगार है, सब पूरा इंडिया ने बोल रहे हैं, गरीब तो मर रहा है ना, बंद कर रहा है तारी, सुनिया दारू तो बंद कर मना है, तारी तो मेरा रोजगार है, तो तारी तो जा बेचते वहाँ तार तार उछाल देते है, तेरा तो वही रोजगार है ऊपर से उतारना है, बोलिए। अच्छा तो मतलब ये लगता है कि आपका रोजगार छीना है? हाँ मेरा रोजगार तो छीन लिए है, दारू बांध कर तो टेंशन नहीं, मेरा ऊपर से तारी जब बेच रहे हैं तो तारी मेरा हरा देते हैं, उझल देते हैं सिपाही लोग आके उझल देते, हम निकाची के खाएंगे, मेरा तो पेट में लात मार दिए, बाल बच्चा भूखल रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो तारीख हमने के लिए सांस जब सूर्य से दे दलकी तो अब कैसे हमने के महादलित परिवार की करके खेती, तारीख तो लेसेंस हमको देना चाहिए, बाकी तारीख भी हरा देता है, जेल भी लेकर चल जाता है, लेडीज के पास तो लेडीज वो के और जेंट्स के पास तो जेंट्स वो के लेकर चल जाता है, तो हम लोग कौन रोजगार करके खाए, आप लोग बताइए कि कौन रोजगार करके खाए, कम से कम तारीख तो बेचना है, गाँव में गाँव दारू नहीं बेचना है, तारी तो बेच के तो खाना है बाल बच्चा, और तारी बेचना तो उझल देते हैं। अच्छा एक में इधर है तारू तारी तारी वाले में वो बताए, देखो पेड़ को दिखा सुनी ले, इसी पेड़ से तारी निकलता है, तो कहे कि इससे गुड़ बनाने के लिए, इससे क्या कहते हैं इसका रस का जो है सो शरबत बनाने के, तो वो सब बनाने का काम नहीं हो रहा है मेरे जी, वही तो काम हो रहा है, तो पार लगेगा मेरे से, कहाँ से पार खरते खरते मर जाएगा तो उनसे पार कहाँ लगेगा सर, अच्छा तो हमको एक चीज बताइए, तो मतलब अभी सब काम ठीक किया है नीतीश जी, हाँ जितना चौधरी पासी को गलत काम किया, ताली जो रोकवा दिए हैं बेचने में, गरीब उससे जी रहा था, करोड़ों भर आदमी जी रहा था, बाकी नीतीश जी ताली में के चलते उनको वोट नहीं मिलेगा, एक बात तो जरूर है, जितना पासी है सुविधा गुड़ कैसे बनेगा, उसको कितना बनाएगा गुड़, अगर नीतीश कुमार जैसे अधिकार रहा, अगर गांव गांव या पंचायत हो या प्रखंड हो वहां पे ला दिया जाए कि यहां पे ताड़ी उतारो और गुड़ बनाया जाए, तो वैसा में भी लोग को पेट भर सकता है, अगर ताड़ी भी नहीं सकता है तो गुड़ बना के लोग को पास पहुंच सकता, तो वैसा भी नीतीश कुमार नहीं किए, नौकरी भी नहीं दिए लोगों को, नौकरी हम लोग पढ़े लिखे हुए बेरोजगार दिए पास है, आज तक फॉर्म भरते इधर जाते उधर जाते, मेरा कुछ भी नहीं होता, अभी भी आ रहे हैं इधर ही बस रहे हैं और काम करते हैं, मजूरी करते हैं और अपना पेट भरते हैं, वैसा भी बीए पास कर लिए हैं, कोई भी नौकरी भी बंद कर दिया है, भारत सरकार भी बहुत नौकरी बंद कर दिया, ऐसा ही बेरोजगार इधर उधर घूमते रहे, तो ये जो भारत सरकार नौकरी बंद कर दिया है, ये आप समझते हैं कि भारत सरकार वैकेंसी नहीं निकाला है, अगर इधर निकाला उतना दिन से नहीं निकाला, तो अगर दो तीन चार साल बैठे रह गए ना, अब इधर निकाला है तो एक बार जब निकाल देगा 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितने लोग उसमें अथी हो गए, लोग भी तो बहुत कम, जो धीरे धीरे पेट भरता है, एक भाई खाने से तो एक भाई पेट नहीं भरता है, क्योंकि सब दिन पेट चलना चाहिए ना, एक बार बोले सरकार कि हम लास्ट में कर रहे हैं, लास्ट में एक बार दे देगा तो उतना में लोग क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत लोग बेरोजगार रह जाएगा, बहुत लोग इधर उधर भटकेगा, तो हम लोग भी चौधरी से हैं, तार भी चढ़ सकते हैं, तार भी अति करते हैं, जब तार चढ़ने का समय आता है तो फिर
पुलिस लोग प्रशासन लोग सब अथी करता है, हावी बोलता है, पकड़ लेता। मतलब इस बार वोट देने में आप लोग इस पर विचार कीजिएगा? विचार करेंगे, हम लोग तो जानते हैं बीजेपी नरेंद्र मोदी को ही वोट देना है, लेकिन इस पे अबर भर थोड़ा हम लोग को ध्यान दिया जाए। नीतीश कुमार से भी कहते हैं कि हम लोग पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इस बार नहीं किया लेकिन अगले बार जिताएंगे, जीतेगा वही जीतेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा, तो इस बार ध्यान दिया जाए। अगर जो भी है हम लोग आपको रोजगार भी नहीं दिया जो जो हाँ नहीं ठीक है, आप एकदम सही जगह पे, हाँ आप पढ़ाई लिखाई किए, 5 साल तक नौकरी नहीं दिया, तो फिर मोदी क्यों जरूरी है? नहीं, इस बार हमारे देश के लिए जरूरी है, जो मेरे देश में काम कर रहा है उसके लिए जरूरी है, उस पे हम गर्व हैं। पेट में अनाज नहीं रहे लेकिन देश जरूरी है, जरूरी है। अगर हमारे देश पे चढ़ाई कर देगा तो हम लोग बुरी तरह बेकार हो जाएंगे। हम अपने की कमा के खा रहे हैं, खा लेंगे, ऐसा मोदी पर अभी भरोसा है कि हम लोग नौजवान लोग को शिक्षा जो दिया है नौकरी भी देंगे, इतना भरोसा है, कुछ न कुछ करेंगे, अबर में आंगत करेंगे। मतलब 5 साल में नहीं किए लेकिन आने वाले 5 साल में कुछ करेंगे? करेंगे, इस बार तो देश के लिए जो भी किए हैं बोले हैं कि हम देश के चलते कर रहे हैं, अबर आएंगे तो अबर जनता लोग या जो भी है। अच्छा आप बताइए, ये तो मान लीजिए भारत पाकिस्तान समझ रहे हैं, इधर आइए आप धूप से इधर आइए ना, हम चाहते हैं इधर आइए आप, ये तो भारत पाकिस्तान समझ रहा है। आप तार का चलाती थी वो भी बंद हो गया है, उसका प्रभाव नीतीश जी और मोदी जी को पड़ेगा वोट में? पड़ेगा जी, काहे नहीं पड़ेगा, अबरी भर दे देगा, ये बात है, अबरी भर दे देगा, भाई तोरा नीतीश वा के को वोट नहीं मिलता, अबरी भर देगा। मेरा तारू जल्दी है, 4 दिन हो गए, मेरा तारू जल्दी है, मेरा सास के तारू, तारू तारे, मेरा सास तारे, सोविया तारे, चाय गिलन तारू जल्दी है, सिपाही लोग आ गए हैं, अब पकड़ के लेके चल के मेरा दौड़ के तो कोची करके खाएगा अपनी बाल बच्चे, बोलिए कौन रोजगार। अच्छा तो जब आपके पेट पर लात मार दिया इतना गुस्सा में है तो फिर उनको वोट क्यों दीजिएगा? काहे के हम देगा, नहीं साल देगा वोट, जाए हार जाएगा जा जीत जाएगा, अब कह लेंगे जगह बेट, मेरा देवर पकड़ा गई है, मेरा तारू जल दिए हैं सब तारी, तो उसको वो सब सामने देर में देगा इस साल वोट। अच्छा तो ये मतलब इसको लेकर गुस्सा है आप लोगों को? ना अबरी भर तो जिताइए देती, अबरी जिता दे, हाँ अबरी भर देखो, बाकी हमने के तार के खाली लेसन दे देती बस, आ हम लोग के सब ठीक कर रहा।